वो वजूहात जिनकी वजह से नमाज का छोड़ देना दुरुस्त है वो यूं हैं। नंबर एक, नमाज पढ़ते में रेल चल दे और इस पर अपना असबाब रखा हुआ हो या बाल बच्चे सवार हैं तो नमाज तोड़कर बैठ जाना दुरुस्त है। नंबर दो, सामने सांप आ गया तो उसके डर से नमाज का तोड़ना दुरुस्त है। नंबर तीन, नमाज में किसी ने जूती उठा ली और डर है कि अगर नमाज ना तोड़ेगा तो लेकर भाग जाएगा तो इसके लिए नमाज तोड़ देना दुरुस्त है। नंबर तीन, रात को मुर्गी खुली रह गई और बिल्ली उसके पास आ गई तो इस खौफ से नमाज तोड़ देना दुरुस्त है। नंबर पाँच, अगर नमाज में पेशाब या पाखाना जोर करे तो नमाज तोड़ दे और फरागत करके फिर पढ़े। नंबर छः, कोई अंधा शख्स जा रहा है और आगे कुआं है और उसमें गिर पड़ने का डर है तो उसको बचाने के लिए नमाज तोड़ देना फर्ज है। अगर नमाज नहीं तोड़ी और वो गिरकर मर गया तो नमाजी गुनहगार होगा। नंबर सात, किसी बच्चे के कपड़ों में आग लग गई और वो जलने लगा तो इसके लिए भी नमाज तोड़ देना फर्ज है। नंबर आठ, माँ बाप दादा दादी नाना नानी किसी मुसीबत की वजह से पुकारें तो फर्ज नमाज को तोड़ देना वाजिब है। जैसे किसी की माँ या बाप वगैरह बीमार है और पाखाना वगैरह किसी ज़रूरत से आ गया और आते या जाते में पैर फिसल गया और गिर पड़ा तो नमाज तोड़कर उसे उठा ले, लेकिन अगर कोई और उठाने वाला हो तो बेज़रूरत नमाज ना तोड़े। नंबर नौ, और अगर अभी गिरा भी नहीं है लेकिन गिरने का डर है और उसने उसको पुकारा तब भी नमाज तोड़ दे। नंबर दस, और अगर किसी ऐसी ज़रूरत के लिए नहीं पुकारा, यूं ही पुकारा है तो फ़र्ज नमाज का तोड़ देना दुरुस्त नहीं। नंबर ग्यारह, अगर नफल या सुन्नत पढ़ता हो उस वक्त माँ बाप दादा दादी नाना नानी पुकारें लेकिन ये उनको नहीं मालूम कि फलां नमाज पढ़ता है तो ऐसे वक्त में नमाज को तोड़कर उनकी बात का जवाब देना वाजिब है, चाहे किसी मुसीबत से पुकारें या चाहे बगैर किसी ज़रूरत के पुकारें, दोनों का एक हुक्म है। अगर नमाज तोड़कर ना बोला तो नमाजी गुनहगार होगा और अगर वो जानते हैं कि फलां नमाज पढ़ता है फिर भी पुकारें तो नमाज ना तोड़े, लेकिन अगर किसी ज़रूरत से पुकारें और उनको तकलीफ़ होने का डर हो तो नमाज तोड़ दे।